इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, डेफिनेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, है ना। तो एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है। यहाँ पे मान लिया ये ए पॉइंट है, यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है छोटा सा, स्मॉल प्लस क्यूब चार्ज, ठीक, जिसको कि हम मूव करा के एक्सटर्नल फोर्स की मदद से कहाँ ला रहे हैं? इन्फिनिटी से पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज के तरफ ला रहे हैं, ठीक। तो देखो, चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो इसके कारण जो उस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव, है ना। तो उस रिपल्सिव फोर्स को हम काउंटर कर पाएंगे उसके बाद ना ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स तो उस तरफ है, हमको मूव इधर कराना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के ही बराबर मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक, जिसके कारण वो चार्ज बहुत स्लो तरीके से इसकी तरफ मूव होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ, ठीक। तो बहुत धीरे धीरे हम उसको एक्सटर्नल फोर्स की मदद से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कराना शुरू करते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी लेते हैं? जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स है उस तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा इस तरफ, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ये हो गया FEXT, एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना। अब रैंडमली कोई पोजीशन मान लेते हैं एक्स, कि वो चार्ज खिसकते खिसकते कहाँ आ गया? इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। बी पॉइंट का जो पोजीशन है कैपिटल क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में, वो कितना मान लेते हैं? वो मान लेते हैं एक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत? और यही मैग्नीट्यूड जो है वो किसका होगा? एक्सटर्नल फोर्स का ही होगा। बट अंतर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर की होगी, मतलब उस तरफ लग रही होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, है ना, क्लियर है। तो अब हम ध्यान देते हैं इस पे ध्यान देंगे और इस रिलेशन को यूज करेंगे बाद में। तो ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स, मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हुआ, कितना? डीएक्स, है ना। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को होने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, छोटा सा वर्क डन है तो, है ना, एफ, और ये डीएक्स,
एस ई एक्स टी डी एक्स और कॉस कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, तो एफ ई एक्स टी कर सकते हैं, सिर्फ डी एक्स रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। अब है कि मान लेते हैं कि इंफिनिटी से धीरे धीरे इस तरह हम कहां ले आते हैं, फाइनली स्मॉल क्यू चार्ज को पी पोजीशन पे ले आते हैं, जिसका पोजीशन है क्यू के रिस्पेक्ट में कितना आर, है ना। मतलब इस स्मॉल क्यू चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स की मदद से मूव कराते कराते कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं पी पॉइंट तक, ठीक है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है आर है, और इन्फिनिटी का तो डिस्टेंस इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। तो यहां से dx डिस्प्लेसमेंट करने में इतना वर्क डन, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन, इंटीग्रेट कर देंगे उस वैल्यू को, है ना, ये बात क्लियर है। चलो तो टोटल वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स, है ना। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, एक्स की, इन्फिनिटी से ला रहे हैं आर पे, है ना, ठीक है। चलो अब हमको इस रिलेशन का, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, हम क्या करते हैं इस तरह के कैलकुलेशन में जहां भी होगा हम रैंडमली किसी भी पोजीशन पे पहले छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसी वर्क डन की वैल्यू को लोअर लिमिट से अपर लिमिट, मतलब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा जैसे सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल में बात करें, तो जो हम खाना टेस्ट करते हैं किसी को खिलाने से पहले, तो वो क्या करते हैं रैंडम बस उठा के देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम रैंडम यहां से चेक कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन फर्दर होता है, ठीक, क्लियर है। और कोई डाउट बाबू, चलो तो अब हमको इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करना है यहां पे, तो पहले यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, इन्फिनिटी से आर, एफ एक्सटर्नल की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ही आ जाएगा, चलो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, इन्फिनिटी से आर एफ ई और डी एक्स, कॉस थीटा कौन सा लेंगे, जीरो डिग्री ही लेंगे, इसी का लेंगे, ये सिर्फ हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल लेंगे वो जीरो डिग्री ही लेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब अपना काम हो गया, इसमें इस बात को ध्यान रखना है, अब फर्दर कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखो W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से R, एफ ई की वैल्यू कितनी है, इतनी थी K Q Q बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक,
तो जो फिक्स वैल्यूज है बाहर ले लो, तो के कैपिटल क्यू क्यू स्मॉल क्यू, ये सब तो फिक्स वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है पूरे कैलकुलेशन में। फर्क पड़ना है बस 1/x² का। तो जब 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स 2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे x^(n+1)/(n+1) उससे हमको मिलेगा x^(-1)। तो एक्स इनवर्स को हम 1/x लिख सकते हैं और नीचे का माइनस वन जो है वो माइनस एज इट इज इसके साथ लग जाएगा, मतलब माइनस में 1/x हो जाएगा उसका आंसर। तो 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेट होने के बाद, सिर्फ माइनस में 1/x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत पल्लवी? और लिमिट पुट करना है इन्फिनिटी से आर, तो एक बार अपर लिमिट माइनस में 1/r और फिर माइनस साइन के साथ एक बार लोअर लिमिट, तो 1/∞ तो जीरो होता है, काम खत्म उसका। ये माइनस में 1/r बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। ठीक, तो यही वर्क डन जो होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया था, यही वर्क डन एज इट इज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम ये क्या हो जाएगा वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू प्लस में, कब, व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज कितना आर। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का, कब, जब उनके बीच में सेपरेशन कितना हो, स्मॉल आर। ठीक, अब इस चैप्टर में ध्यान रखना, चूंकि ये एनर्जी है तो डायरेक्शन तो होगा नहीं, है ना, लेकिन यहाँ प्लस एनर्जी और माइनस एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो अगर कैपिटल क्यू निगेटिव है तो माइनस साइन यहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर स्मॉल क्यू निगेटिव है तो माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे मैथ्स के हिसाब से, मतलब यहाँ कैलकुलेशन में पोलैरिटी भी इस्तेमाल होगी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पोलैरिटी का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए करते हैं, इस चैप्टर में पोलैरिटी जो है वो न्यूमेरिकल्स में विथ साइन यूज होगी। ठीक है, जहां प्लस का मतलब प्लस, माइनस का मतलब माइनस ही होगा मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बीच में बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, तो इसको हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट क्या था पी, इनिशियल पॉइंट क्या था इन्फिनिटी, तो या तो हम इसको यू एफ माइनस यू आई भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं, या हम इसको यू पी माइनस यू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है, कब, जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बाद में जीरो भी कर सकते हैं, तो ये यूपी माइनस जीरो हो जाएगा, सिर्फ यूपी लिखाएगा, मतलब
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज कितना आर। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, तो ये सबसे अधिक डेरिवेशन सबसे आसान तरीके से हो गया। अब इसी में देख लो एक टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, या फिर बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, या इसी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, एक ही बात को कई तरीकों से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो डेल वी कहो या वी एफ माइनस वी आई कहो, या वी पी माइनस वी इन्फिनिटी कहो, या वी पी माइनस वी इन्फिनिटी जीरो कर देंगे तो सिर्फ वी पी कहो। ठीक है, कुछ भी कहेंगे, इन सभी का मतलब होगा ये सभी होंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसमें वही चार्ज कंसीडर करेंगे, डिवाइड करेंगे जिसको कि हम घुमा रहे थे यहां से। ठीक है, क्लियर है। हाँ बोलो बोलो, क्या चीज बाबू। हाँ, वी से ही करते हैं ना, पोटेंशियल को तो वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखो, एक्चुअल में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, एक्चुअल में सिर्फ पोटेंशियल कुछ नहीं होता, ये हमेशा डिफरेंस होता है, या चेंज इन पोटेंशियल कहलाएगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। या अगर तुम सिर्फ पोटेंशियल एट पी डिफाइन कर रहे हो, या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डिफाइन कर रहे हो, तो हमको बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में हम लोग पूरा नहीं कहते, हम सिर्फ पोटेंशियल या हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कह के निकल जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल मतलब हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं होती इनकी, हमेशा किसी न किसी के रेफरेंस में ही होता है, इसीलिए या तो चेंज कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और चूंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो मानते हैं और एनर्जी भी जीरो मानते हैं, इसीलिए जब हम रेफरेंस टू इन्फिनिटी बात करते हैं तो हम इतनी बड़ी बात बार बार नहीं कहते, हम सिर्फ इतना ही कह देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं, डेल यू का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो यू एफ माइनस यू आई बाई क्यू, या यू पी माइनस यू इन्फिनिटी बाई क्यू, यू इन्फिनिटी जीरो होता है तो यू पी बाई क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये वैल्यू पुट करके देख लो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, वो कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, आर है ना, डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू होगा, सही ना, कहा
डब्ल्यू ही ना पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हुआ, ठीक है। तो क्यू से क्यू गया, क्या बच जाएगा, के क्यू बाई आर, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, एट यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। सिर्फ कैपिटल वी से भी वोल्ट को लिखते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? और चूंकि एनर्जी बाई चार्ज होता है तो जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें अब एक और बात ध्यान रखनी है कि चूंकि बोला था कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन इस्तेमाल होगा, चार्ज अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन इस्तेमाल होगा। तो अगर क्यू की वैल्यू निगेटिव होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, है ना। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक। मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर होगा, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव कंसीडर होगा, ठीक। पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग हाई पोटेंशियल भी कहते हैं, निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग लो पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक। तो चलो इस पूरे में कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले।